फ्रेंड्स, आप यहाँ इतना पानी देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये मैं नदी में आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई नदी नहीं है, बल्कि ये मेरा खेत है। आप देख सकते हैं खेत का नामो निशान नहीं है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं अपने ताल के बारे में बताया हूँ आप लोग को, और बह के बारे में बताया हूँ, जिसको बोलते हैं मिनी रिवर, जो गांव में लोग बोलते हैं यहाँ पे बह को, और यहाँ पे ताल है जो कि पानी स्टोर करता है। पानी यहाँ पे लग जाता है क्योंकि ये बहुत निचला स्थान है यहाँ पे, और जब पानी बरसता है, पानी जब गिरता है रेनी सीजन में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वहाँ पे पानी भर जाता है। वही हाल है अभी यहाँ पे, खेत का नामो निशान नहीं है, कहीं खेत नहीं दिख रहे हैं आपको, क्योंकि ये पूरे पानी से लबालब भर चुके हैं दोस्तों। और इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश, अब मेरी पिछली वीडियो में देखो यार, मैं आपको बताया हूँ कि कितना सूखा पड़ा था उस समय, बहुत सूखा है पूरा, आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अब देखो कुछ आपको नामो निशान नहीं नजर आ रहा है, कहाँ गए खेत और क्या है, सब लग रहा है कि अब एकदम, और यहाँ पे फीलिंग भी आ रही है, लग रहा है कि यहाँ पे पूरा वो है कि समुन्दर है और कुछ। और मेरे दोस्त यहाँ पे कुछ मेरे साथ आए हुए, वो भी इस लुप्त का मतलब आनंद ले रहे हैं। बहुत ही रोमांचकारी क्या नजारा है, क्योंकि यहाँ पे एकदम हवा भी चल रही है तो एकदम लहर सी उठ रही है, जो कि लग रहा है कि यहाँ, और पानी भी बहुत ज्यादा काफी है, इतना छोटा पानी भी नहीं है, मतलब कम कि कोई चला जाए तो वो हो जाए, बहुत ज्यादा पानी है। और अंदर तो बहुत ज्यादा पानी है, मतलब आदमी डूब जाएगा, इतना पानी है। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ अपने यहाँ से, देख सकते हैं दूर दूर तक पानी है, दूर दूर तक। मैं अपने एक सब्सक्राइबर से आपको बात कराता हूँ, ये देखिए इनका नाम विक्की है। तो विक्की, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? देखिए ये बारिश 10 साल बाद आई है पूरी यहाँ पे, इसी बारिश। अभी आप गर्मी सीजन देखेंगे तो पूरा एक ताल जो था सूख चुका था बिल्कुल। और अब देखिए जैसे अभी इतना पानी आ गया कि पूरा गांव भर सकता है इससे, नदी समान लग रहा है ये। हाँ हाँ जी, तो वो तो बात सही है। तो यही ये भी कह रहे हैं कि सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन अभी समय इतना पानी आ चुका है, इतना ही कि मतलब, और इस समय फसल उसल भी इसमें नहीं डाल सकते हैं हम लोग, नहीं कुछ नहीं डाल सकते हैं इस समय। देख रहे हैं लोग यहाँ पे बीज डाल के छोड़े हुए थे, वो गेहूं बोने, धान बोने के लिए, लेकिन देखेंगे आप तो पूरा बीज डूब चुका है, सड़ चुका है बीज सारा सबका। तो देख ही रहे हैं फ्रेंड्स कि जब बीज पूरा डूब जाता है, मैं आपको पिछले वीडियो में एक बताया हूँगा कि धान की रोपाई यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे पूरा हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब रोपने लायक बीज, बोने लायक नहीं है, क्योंकि जो फुल ऑफ वाटर, जब वाटर पूरा फुल हो जाएगा तो उसके कारण जो बीज है वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए भी पानी चाहिए, लेकिन इतना पानी भी सफिशियंट है कि मतलब वो ग्रो कर पाए। अब इतना पानी नहीं कि वो डूब जाए तो इसे। और इधर आप देख सकते हैं, इधर में ये मेड़ है, इसको एक तरह से आप एक बैंड भी, बांध भी बोल सकते हैं, जो कि पानी को एक सेपरेट किया हुआ है। इस जगह तो पानी आप देख ही रहे हैं कितना ज्यादा है, लेकिन इस जगह पानी थोड़ा कम है, और ये नहीं रहता तो इधर भी पूरा पानी हो जाता है, आप देख ही रहे हैं। और इस समय मेरा जो बा है, जो उसको कैनाल, मिनी कैनाल बोल रहे हैं, वो भी तो बहुत तेज में इस समय रन कर रहा है, फ्लो कर रहा है उसका पानी, देख ही रहे हैं फ्रेंड्स आप नजारा। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार अंदर जाके दिखाता हूँ कि कितना पानी है, ओके? तो आप लोग दिल थाम के बैठिए, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं भी डूब भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। तो प्लीज मेरे चैनल को रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो ये देखिए, मैं पानी में एंटर कर चुका हूँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पानी स्टार्ट हो चुका है, मेरे यहाँ तक पानी आ गया एंकल तक, और अब देख रहे हैं पीछे से मेरे दोस्त भी आ रहे हैं लोग थोड़ा, अब देखते हैं कितना पानी है यहाँ पे। तो हमें, और देखिए आगे पानी बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, आगे पानी बढ़ता ही जा रहा है, देख रहे हैं आप। अरे यार, ये देखिए मेरा खेत है, ये खेत लग ही नहीं रहा है, क्या ये खेत क्या है यार, इतना पानी है, कहाँ खेत है, कुछ खेत नहीं है, सब खत्म हो चुका है खेत, क्या मतलब यार। किसान को सोचो यार आप लोग की कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, अगर सूखा हो जाए तब भी, और ज्यादा पानी हो जाए तब भी, आप कुछ सोचो यार। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे भाई जो मतलब किसान, मतलब फार्मर्स को समझते भी नहीं होंगे, मतलब वो आप लोग नहीं जानते होंगे कि वो कितना यार कठिन सेक्रीफाइस करते हैं यार अपने आप के लिए, अपने आप को, और यार लेकिन तब भी यार उनसे, उन लोग को उनके दाम पे यार। भाई देखिए यहाँ पे पानी, ये देखो भाई कितना ज्यादा हो गया है, भाई पानी बहुत ज्यादा हो गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स।
ये देख सकते, देख ही रहे हैं फ्रेंड आप कितना ज्यादा पानी हो चुका है, मेरे घुटनों तक पानी आ गया है फ्रेंड्स, देख लीजिए फ्रेंड्स मेरे घुटनों तक, मुझे आगे नहीं पता आगे कितना पानी है अभी, मुझे तो डर भी लग रहा है कि आगे कहीं मैं कहीं गिर ना जाऊं या कुछ हो ना जाए, डूब ना जाऊं। आओ मर्दवा कहा हो, पहले कई वाली बीच बनाओ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यार, मुझे अब आगे जाने से बहुत डर लग रहा है क्योंकि पानी मतलब घुटने से ऊपर आ चुका है और मेरे दोस्त भी डर रहे हैं क्या भाई, आगे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, पता नहीं चल रहा है पूरा पानी भर चुका वही तो है। और यार पता नहीं चाहिए, देख सकते हैं आप लोग इनको घुटने तक पानी आ गया है, अब मेरा खुद घुटना देख सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है भाई, मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। हाँ भाई, तो मेरे दोस्तों ने जो कहा वो कर दीजिए। और ये देखिए आप भाई, आगे पानी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है फ्रेंड्स, इतना ज्यादा कि आप पूछ नहीं सकते हैं। ये देखिए अब मेरे मतलब पूरे यहाँ पैर तक पानी आ रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर कहीं गिरा तो मोबाइल भी जा सकता है यार, बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स। अरे यार अंदर बहुत ही फिसलन भी है, अब आगे बहुत दिक्कत हो रहा है जाने में, अब पता नहीं जाए कि ना, अब आप लोग के लिए भाई जाना तो पड़ेगा। तो प्लीज यार वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर देना यार, बहुत ही ज्यादा पानी है फ्रेंड्स यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। अभी लग रहा है पानी कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा आगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स इतना ज्यादा वाटर है, एवरीवेयर वाटर, एवरीवेयर। भाई आगे बहुत ही ज्यादा पानी है, ये देखो यार कहाँ तक पानी आ गया है फ्रेंड्स, ये देखो पैर सोचो मेरा कहाँ चला गया है, भाई आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है यार। ये देखिए भाई, ये देखिए, और हम लोग तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनका पानी कहाँ तक आ चुका है, पूरा पैर डूब चुका है, ये देखिए मेरा पानी कहाँ तक आ चुका है, ये देखिए पूरा ये पैर डूब चुका है अंदर, और बहुत ही दोस्तों बहुत ही ज्यादा खतरा लग रहा है। और ये जो आगे आप एक बौली देख रहे हैं जिसको बोलते हैं विलेज में, मतलब एक तालाब बोल सकते हैं, पॉन्ड बोल सकते हैं आप, वाटर रिजर्वायर बोल सकते हैं भाई, इसमें तो मतलब यार तीन चार ऊंट डूब जाए भाई, इतना पानी है देखो लब अलब हो गया है भाई। हम तो यहाँ तक अभी आए हैं भाई अपने खेत, ये मेरा खेत ही है, लेकिन ये देखो कितना पानी है यहाँ पे, लग ही नहीं रहा है कि भाई कहाँ तक आ गए हैं भाई, आप देख सकते हैं ब्रो कितना ज्यादा पानी है यार, इतना ज्यादा पानी, ये देखो कहाँ 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 सांप भाई, भाई वो देखिए सांप, वो देखिए कितना बड़ा सांप गया है, आओ चलते हैं आए भाई, दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन ये देखिए इसको भोजपुरी में गो बोलते हैं और इसको इंग्लिश में शायद ड्रैगन बोलते हैं, पता नहीं क्या, अब मुझे पता नहीं है, लेकिन इसे भोजपुरी में गो बोलते हैं क्योंकि गांव नाम है अभी आपने देखा है। तो यार ऐसे ऐसे भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीव पड़े हुए हैं अभी, और आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं क्या क्या है, अभी आगे हम लोग सांप भी देखे, बहुत लंबा सांप, बहुत बड़ा सांप है वो, और ये लोग बता रहे हैं कि वो बहुत ही मतलब जहरीला है, पानी वाला सांप नहीं है, तो आगे देखते हैं अभी क्या क्या होता है। लेकिन वहाँ पे चार पांच गो और हैं सब, वहाँ पे गो को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हाइट ड्रैगन, वो जो कमोंडो ड्रैगन जो आप लोग बोलते हैं, उस टाइप की छिपकलियां हैं ये बड़ी बड़ी। हाँ आइए आगे आगे और देखते हैं हम लोग क्या क्या मिलता है, देख सकते हैं फ्रेंड्स इधर दूर दूर तक केवल पानी ही पानी है, वहाँ पे आप देख रहे हैं केवल पानी ही पानी है, दूर दूर तक गंगा जी में दूर दूर तक केवल पानी ही पानी है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे एक बार और देख लीजिए फ्रेंड्स, कितना ज्यादा पानी है यार, आप देख सकते हो यार, यहाँ तो हम लोग नहीं जा पाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे पूरा कमर तक पहले घुसते तक पानी आ जाएगा, और आगे बढ़ने तो हम लोग में भी डूब भी सकते हैं, और किसी को यहाँ पे तैरना भी नहीं आता है। तो फ्रेंड जितना हो सके मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाया हूँ,
तो प्लीज यार अगर ये मेरा वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे वीडियो को, और हाँ मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, इंस्टाग्राम आईडी है anuj.pandey.967। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे आइए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और दोस्तों ठीक है चलते हैं, ठीक है दोस्तों गुड बाय बोलिए आप लोग भी, ठीक है दोस्तों हैव ए नाइस डे।